हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। तो देखिए ना, नोटिफिकेशन पे आ गए हम। ये है ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूर में है। ट्रिपल आईटी क्या है देख लीजिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूर है, जहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्था कुरनूर में है, जहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ये 18 अप्रैल का ही नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है आपको हम बता दें कि इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ये है कि ये जो संस्थान इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया है यहाँ पे। इससे पहले देख लीजिए, जो पीएचडी निकला हुआ है फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में निकला हुआ है। और ये संस्थान है जो आपको नेशनल इम्पोर्टेंस की संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, और ये संस्थान है जिसका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये 2015 में स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान है जहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जो ये पीएचडी है कई डिफरेंट सब्जेक्ट में निकला है, तो पूरा डिटेल्स में इसी के बारे में हम बता रहे हैं। वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे फुल किन किन सब्जेक्ट में निकला हुआ है, देख रहे वैकेंसी टेबल में आपको दे दिया गया है। ये देखिए फुल टाइम जो है आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के तहत 28 सीट निकला हुआ है। इसी तरह से आप देख लीजिए फुल टाइम स्पॉन्सर में है, इसमें आपको 6 सीटें निकली हुई है। और फुल टाइम पार्ट टाइम जो है ये है पार्ट टाइम में निकला हुआ है, और यहाँ पे आपको 9 सीटें निकली हुई है। और इसी तरह फुल टाइम विशेषवर रैया स्कीम के तहत 4 सीटें निकली हुई है, और पार्ट टाइम विशेषवर रैया स्कीम के तहत आपको यहाँ पर देख लीजिए 2 सीटें निकली हुई है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया है, जानकारी दिया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कितना सीट है और किन किन मूड में निकला हुआ है वैकेंसी, तो बता दिया है प्रोग्राम में। और आगे आपके देखिए डिटेल्स दिया है, जो ये जो रिसर्च प्रोग्राम जो ऑफर हो रहे हैं यहाँ पे दिया गया है। आपको देख सकते हैं कि जो ये रिसर्च प्रोग्राम है यहाँ पे आपको, तो ये जो रिसर्च प्रोग्राम है इंस्टीट्यूशन ऑफर द पीएचडी पार्ट टाइम फुल टाइम, जैसा कि बताया है किसमें है, तो मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, इंग्लिश में है, और सीएससी में, ईएसए एमई में है, इन सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में भी निकला हुआ है। डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो है ये पूरा आपको बताया जाएगा इसमें एक एक पॉइंट में। कैटेगरीज आपको बता दिए जो, तो यहाँ पर दिया है आपको बता दिया, रेगुलर फुल टाइम निकला हुआ इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के तहत, और पार्ट टाइम मैंने ऑलरेडी इसमें बता दिया किन किन रेगुलर जो निकला है स्पॉन्सर, डीएसटी जो है, एसईआर, सीएसआईआर, डीआरडीओ, मेरिट, वाईई आदि में निकला हुआ है रेगुलर बेसिस पर, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ के निकला हुआ है, और पार्ट टाइम भी इसी में निकला है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए कि आपको पास कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सब में निकला हुआ है आपको देख लीजिए यहाँ पर दिया है। ये इंजीनियरिंग में दिया हुआ है कि आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेटेड होना है ग्रेड में, जो ब्रांच स्टडी है वो 60 एग्रीगेटेड का होना चाहिए। ये तो हालांकि उतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग जानते होंगे यहाँ पर कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि आपको इतना मार्क्स होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में लगभग यही है, और जो कैटेगरी है डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से दिया है, तो इसको एक बार देख लीजिए। स्पॉन्सर फेलोशिप के तहत निकला हुआ है, और देखिए एम टेक डिग्री होना चाहिए, एम ई जो होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन में, इंजीनियरिंग में होना चाहिए, कम्युनिकेशन में होना चाहिए, इस तरह से है। पीएचडी इन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, इन सब में होना चाहिए अगर रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो दिया हुआ है।
और आपके पास नेट की डिग्री होना चाहिए। एप्लीकेंट्स होल्डिंग एंड बैचलर डिग्री बीटेक इज रेस्पेक्टिवली साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम द आईआईटी विथ मिनिमम सीजीपीए 8 होना चाहिए, 10 पॉइंट स्केल के अनुसार, और वैलिड गेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी बता दिया है, और पार्ट टाइम के लिए भी एलिजिबिलिटी लगभग सेम है। तो देख सकते हैं कोई खास नहीं है, पार्ट टाइम के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और सबके लिए अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो एक आपका होना चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिस भी संस्थान में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपका लगा होना चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मेन इसमें जो आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये फेलोशिप कितना मिलेगा, तो देख लीजिए आपको क्या है, स्टाइफन फेलोशिप फुल टाइम के लिए क्या है, ब्रॉड रिसर्च एरिया में है तो आपको 38,000 रुपया मिलेंगे, 38,750 रुपया है। और उसके बाद आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए आपको 43,750 रुपया आपको दिया जाएगा पीएचडी में इसी तरह से। और उसके बाद देखिए एचआरए आपको मिलता रहेगा, और रिसर्च कंटिजेंसी भी आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ भी देखिए क्लियर लिख दिया है 1,20,000 तक फुल टाइम के लिए, और 1.5 लाख फुल टाइम के लिए, सपोर्ट एंड अटेंडिंग इंटरनल कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, ये सब के लिए आपको यहाँ से पैसा दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। ये हो गया। और देखिए अंडर द इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के तहत आपको भी थोड़ा चेंज मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पर 37,000 और 42,000 रुपया मिलेगा यहाँ पे, 8 आवर्स पर वीक जो आपको क्लास लेना है वो सब दिया है। तो ये सब डिटेल्स है, आपको एडमिशन के बाद आप इसको सही से देख लीजिए या फॉर्म अप्लाई करने के वक्त इसको चेक कर लीजिए। इसी तरह से आपको जो एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी जो है उसके तहत आपको फेलोशिप अप्लाई की जाए, जैसे यूजीसी सीएसआईआर में जो फेलोशिप मिलता है एक्सटर्नल के अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट है जो आपको बताना ज़रूरी है सबसे, कि एप्लीकेशन फ़ी कितना होना चाहिए, तो देखिए आपको ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपये आपको होना चाहिए एप्लीकेशन फ़ी, और एसी एसटी के लिए आपको 250 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन फ़ी लगेगा इतना, अगर यहाँ पे अप्लाई करिएगा तो इतना आपको ऑनलाइन पे करना होगा। और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ख़ास है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानना चाहिए कि 18 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है, लास्ट डेट है 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल से शुरू हो गया है। और इंट्रेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू जो भी होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, वो 5 से 6 जून में, जो मई के बाद जून में आपका होगा, 5, 6, 7 को जो भी हो उसके बाद होगा, उसके बाद रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये हो गया आपको टेंटेटिव ब्रॉड रिसर्च एरिया दे दिया गया, इसको देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टेंटेटिव ब्रॉड एरिया है, आप चेक कर सकते हैं और इसके अनुसार अपना तैयारी कर सकते हैं। रिसर्च एरिया सब दिया गया है, डिपार्टमेंट वाइज है, तो इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख सकते हैं। सबका अलग अलग है, साइंस का और इंग्लिश का सबका दिया है यहाँ पे। ये फ़ी दे दिया है, फ़ी स्ट्रक्चर की कितना लगेगा तो भी आप देख सकते हैं, कोई खास फ़ी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत फी है। सेमेस्टर वाइज अगर इतना फेलोशिप मिल रहा है तो फीस कोई मैंने लगता है। और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका फॉर्मेट इस तरह से जो दिखाई दे रहा है, इस तरह से बनवा के लाइएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और नीचे संस्थान का मोहर और सिग्नेचर जरूर होना चाहिए, ये बात को आपका ध्यान रखना है। इसी तरह स्पॉन्सर का जो सर्टिफिकेट है जो आपको मिला हुआ है, इस तरह से इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, ये भी ध्यान में रहे। तो ये आपको मैंने पूरा डिटेल्स में जानकारी दे दिया। इस तरह के जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी न्यूज़ देखते रहिए। तब तक मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन में और एक नए अपडेट के साथ।